जो भी युवा राजकीय आईटीआई से संबंधित विभिन्न ट्रेडों में एडमिशन लेना चाहते हैं और वह काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे सभी युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। राजकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद मेरिट के आधार पर आईटीआई से संबंधित कॉलेजों में एडमिशन। मेरिट की बात की जाए तो विभिन्न राजकीय आईटीआई में कुल 2600 से अधिक सीटें हैं जिन पर यह विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश होंगे। ऐसे में हमारे साथ राजकीय आईटीआई की नॉडल प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से युवा आवेदन करें और आईटीआई करने के बाद युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर हैं। सर देख रहे हैं एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है, युवाओं की पहली पसंद आईटीआई होती है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में अगर हम आईटीआई की बात करें तो लगभग कितनी सीटें अपने जनपद में होंगी? जनपद में जो है 6 गवर्नमेंट आईटीआई हैं, सब में मिला के 2628 सीटें। अगर हम साकेत आईटीआई की बात करें कितनी सीटें हैं? 1282 सीटें हैं हमारे पास। कौन कौन सी ट्रेड हैं और कितनी कितनी जो महत्वपूर्ण ट्रेड हैं उनमें सीटों के कुछ संख्या? फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, और मतलब जैसे फिटर में 80 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 सीटें, इलेक्ट्रीशियन में जो है 100 सीटें, टर्नर में 80 सीट है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण ट्रेड है हमारी है। सर किस तरीके से युवा आवेदन करें? युवा ऑनलाइन आवेदन करेगा इसमें। जैसे सर मेरिट में नाम आने के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा, फोटो हो जाएंगी, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब उसको इकट्ठे करते हैं। आईटीआई में किस तरह का प्रशिक्षण आपके द्वारा युवाओं को उपलब्ध कराया जाता है? सभी ट्रेडों में जो है ट्रेड के हिसाब से प्रशिक्षण जो है उपलब्ध कराया जाता है हर व्यक्ति। क्या समय समय पर रोजगार प्लेसमेंट के लिए भी कुछ किया जाता है? हर महीने प्लेसमेंट और अप्रेंटिस मेला लगता है। और सर कुछ महत्वपूर्ण युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहें? बस इस समय आईटीआई पे बहुत जोर दिया जा रहा है और ये आईटीआई जो है यूपी के टॉप आईटीआई में है। अगर सर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि काफ़ी महंगी फीस होती है, अगर आईटीआई युवा करेगा तो कितनी फीस उसे देनी होगी? नहीं, यहाँ पर 40 रुपये पर मंथ की फीस है, वो भी सिर्फ सामान्य और ओबीसी के छात्रों के लिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 40 रुपये महीने के हिसाब से अगर स्टूडेंट देता है तो उसे आईटीआई की डिग्री डिप्लोमा मिल जाएगा? मिल जाएगा।